हाउस होल्ड और यहाँ पे हमारा कौन सा सेक्टर है फिनेंशियल सेक्टर या बैंक बोलो इससे इसको क्या जाएगा सेविंग्स अपनी डालेंगे हम लोग यहाँ पे और इधर से इधर क्या जाएगा बोरोइंग्स या लोन्स ठीक है <laughs> इधर क्या है फर्म है फिनेंशियल सेक्टर से फर्म को क्या जाएगा लोन जाएगा और ये इसको क्या देगा इंटरेस्ट देगा ठीक है ये वाला कंप्लीट हो गया अब यहाँ पे गवर्नमेंट है गवर्नमेंट इसको क्या प्रोवाइड करेगा सबसे पहले मान लो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं तो वो पेमेंट फॉर सर्विसेज या फैक्टर पेमेंट बोलो वो प्रोवाइड करेगा लिख लिया फैक्टर पेमेंट दूसरा गवर्नमेंट इन लोगों को कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट भी दे सकता है और तो कुछ नहीं देगा ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट में पेंशन आता है स्कॉलरशिप आती है है ना तो कुछ और चीज ये और हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देगी टैक्स ठीक है तो यहां पे टैक्सेस लिख दो ठीक अब ये गवर्नमेंट फॉर्म्स को क्या प्रोवाइड करेगा सब्सिडी प्रोवाइड किया मान लो और क्या गुड्स एंड सर्विसेस कुछ खरीदा उसका पेमेंट कर देगा मान लो समझ रहे हो और ये इसको क्या देगा टैक्स देगा ठीक है अब गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट बेटा पेमेंट कर रहा है पैसा दे रहा है उसका है ना जैसे इसको फैक्टर का पेमेंट कर रहा था ना इसको गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करेगा और यहाँ से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हाँ वही मैंने सोचा सर्किल कंप्लीट नहीं हो रही है ये ये क्या होगा ओपन सर्किट बन गया ये हाउस होल्ड फॉर्म की तरफ क्या जाएगा फैक्टर सर्विसेस और इधर से इधर बताओ दो ही होगा फैक्टर सर्विसेज होगा या एंड सर्विसेज इधर से उधर होगा ठीक है और एक फैक्टर पेमेंट होगा ठीक है अगर इधर इधर सॉरी फिर यहीं पे आ गया ये फैक्टर पेमेंट ठीक है फैक्टर सर्विसेज का फैक्टर पेमेंट और यहां से गुड्स एंड सर्विसेज भी जाएगा ठीक है और अगर इसमें चौथा लाइन आप बनाना चाहते हो तो गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट आ जाएगा इफ यू वांट टू मेक द फोर्थ लाइन ठीक है अब बस ये देख लेना कि वो रियल फ्लो बोल रहा है या मनी फ्लो बोल रहा है अगर मनी फ्लो बोल रहा है तो पेमेंट पेमेंट वाला करना रियल फ्लो अगर बोलेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज भी डालना